क्लोज ब्रो किया गया, क्लोजिंग किया गया। चौक पे करेंगे बाकी, ये हुआ ना सुनील चौधरी जो। बोलो यार। वन टू थ्री क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। So we are faculty and students from GMC Kathua, and we are also with BSc students. So जो ये दिन हम मनाते हैं, टुडे इज 4th February इज बींग ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे। तो एक प्रोग्राम आता है जिस प्रोग्राम का नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, मेलाइटस, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। सो बेसिकली हम जो ये दिन मनाते हैं, बाकी बहुत सारे दिन साल में मनाते हैं, तो ये भी एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम लोगों को जागरूक करते हैं कैंसर के बारे में, क्योंकि पहले से अभी कैंसर का जो प्रेवेलेंस है, जो बर्डन है, वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को अवेयर कराते हैं हर साल इस दिन। तो WHO हर साल, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल थीम देते हैं, तो इस साल भी इन्होंने थीम दिया है। तो ये डे हम जो वर्क हमने एक इनिशिएटिव अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र अत्री सर एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने कोलोबरेट करके हमने एक इनिशिएटिव इसी ले लिया, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कैंसर के बारे में, जागरूक कर सके, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको आप अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करें तो हम उसको सर्वाइवल जो हम बोलते हैं, जैसे लॉन्गिविटी, तो हम वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अभी हम अंडर मेडिकल कॉलेज, हमने जो हमारे अपने डिपार्टमेंट है उसमें भी हम, और हेल्थ डिपार्टमेंट में वी आर स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, वी आर स्क्रीनिंग ऑलरेडी डूइंग स्क्रीनिंग, वी आर स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड फॉर ओरल कैंसर, एंड आज हम दोनों सेंटर्स पे बुद्धि और कृष्णा कॉलोनी में वी आर डूइंग फ्री कैंप्स फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। सो बेसिकली ये अवेयर करने के लिए है, और कितना बर्डन है डिजीज़ का, बर्डन ग्लोबली वर्ल्ड में कितना है, और लोकल लेवल पे जैसे कठुआ के लेवल पे, जम्मू के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे और इंडिया के लेवल पे कितना बर्डन है, इसको जागरूक करने के लिए होता है। सो वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब एंड डॉक्टर पवन इज हियर विद मी, ही इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी इज इन चार्ज, एंड वी ऑल आर विद आर डेमोन्स्ट्रेटर्स स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हम ये वर्क इसीलिए कर रहे हैं, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हमने शुरू किया है एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC कठुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल सर, एंड वहाँ से हम वॉक करके आए हैं जो ड्रीम पार्क से, हॉस्पिटल्स के बाहर से ड्रीम पार्क से, फिर हम यहाँ से चौक से, हम शहीदी चौक से, कॉलेज रोड से, विल मेक पीपल अवेयर। वी आर ऑल्सो सी द स्टूडेंट्स आर कैरिंग IC मटीरियल टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सो वहाँ से हम घूम के फिर हॉस्पिटल की तरफ कॉलेज रोड से जाएंगे। तरफ से लोगों से गुजारिश है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे कैंसर के लिए या अर्ली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पेरिफ्री में हम कर रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग द कैंप ऑन स्क्रीनिंग कैंप ऑन रेगुलर बेसिस। एक तो हमारे जो फील्ड प्रैक्टिस एरिया है बुद्धि एंड USTC कृष्णा कॉलोनी, और हमारे गायनी डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। दे हैव केप्ट सम डेज एंड डॉक्टर मीनाक्षी इज़ देयर टू स्क्रीन विद द टीम, इज़ देयर टू स्क्रीन फॉर द कैंसर। तो मैं ये चाहती हूँ लोगों को कि ये इसका बेनिफिट ले, क्योंकि जितना जल्दी वो डिटेक्ट होता है उतना सर्वाइवल इंक्रीज होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। तो ये लोगों को, इसके अलावा कैंसर, ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर हम कम्युनिटी में भी कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज मोर एंड मोर पीपल, जनरल पॉपुलेशन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पवन, इंचार्ज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट GMC कठुआ।
मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैम ने तो सब कुछ बताया कि जो ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ लगभग 4 साल से चल रहा है जीएमसी कठुआ में, और यहाँ पे हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं और शॉर्टली 1-2 सालों में रेडियोथेरेपी भी स्टार्ट कर देंगे। जो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि कठुआ के बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है। वो बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, जलंधर जाते हैं, जम्मू जाते हैं, उनको तब पता चलता है कि यार कठुआ में भी आप वहाँ पर करवाओ, कुछ लोग वहाँ पर बताते। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं यही लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि आप भी लोगों को बताएं कठुआ जीएमसी में कैंसर का इलाज हो रहा है और यहीं पे उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हर चीज़ है, रेडियोथेरेपी को छोड़ के वो भी 1-2 सालों में हम स्टार्ट कर देंगे। पेशेंट का कोई पैसा खर्च नहीं होगा इसमें। मेरा नाम सर अंतरिक्ष है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ GMC कठुआ में। सो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे, और हर साल लोगों को पता भी है कि कैंसर होता क्या है, बट फिर भी मतलब हम लोग देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई सिगरेट का जो सेवन है वो कर रहा है और टोबैको का जो वो यूज़ है वो कर रहा है, पर जानने के बाद भी लोग जो हेल्थ केयर है उसका कभी भी वो जो मेन गोल है वो नहीं समझते। हम लोगों को लगता है कि हेल्थ केयर का क्या काम है, बीमार को ठीक करना, बट हेल्थ केयर का असली काम है जो ठीक है उनको स्वस्थ रखना और उन लोगों पर फोकस करना ताकि कोई बीमार पड़े ही नहीं। बट हम रोज़ देखते हैं कि पता है कि टोबैको और स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग करेंगे, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो आज जो हम रैली निकाल रहे हैं उसका मेन गोल यही है कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, और जो हमारी थीम है क्लोज द केयर गैप, इसका मतलब क्या है कि आप सबको, हमारी जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ, वो सबको प्रोवाइड की जाए और जो कैंसर की अवेयरनेस है, उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी जो प्रिवेंशन है, वो सब तक फैलाई जाए, जिसका मतलब उसकी प्रमोशन की जाए कि हम सब एक साथ हैं और इस जो कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं उनके खिलाफ हम साथ में एक साथ जुट कर इसका खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सबको, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उन सब के लिए ये हेल्थ केयर है जो अवेलेबल करवाएंगे।